जीने के लिए सोचा ही नहीं, मास्क लगाने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, मास्क लगाने होंगे। तुझसे नाराज नहीं हूँ दिल्ली, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तुझ में बढ़ते इस धुएं से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। हाय, मेरा नाम है सोनिया जैन और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़। आज हम कोशिश करेंगे बात करने की धुएं के बारे में, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है। 421 हो चुका है, एयर क्वालिटी हो चुकी है हमारे शहर में। हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। आइए जनता से जानते हैं कितना उनको कितना नुकसान हो रहा है। अरे भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है? अरे टाइम तो वैसे अभी 2 बज रहे हैं, लेकिन अगर धुआं देखें तो ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हुई है। मैंने ये जानना है कि आपने चश्मे क्यों पहने हैं? देखिए मैडम, ये चश्मा मैंने स्टाइल में नहीं पहन रखा है, ये चश्मा धुएं से बचने के लिए मैंने पहन रखा है। सही बात है, कोई लोग मास्क पहन रहे हैं, कोई लोग चश्मा पहन रहे हैं। क्यों पहना हुआ है आपने ये मास्क? ये आप खुद देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। देख कैसे तो कुछ भी नहीं देख सकते हैं, वैसे तो आप इतना ज़्यादा पीछे स्मॉग हो रखा है। ये अभी इतना डेंस है, हवा बिल्कुल लिया नहीं जा रहा है। ये किसी ने एडवाइस नहीं किया है, ये खुद फील होके मजबूरन मुझे लेना पड़ा है, जो पहनना पड़ा है। इसके बिना तो बहुत मुश्किल है। मैं हूँ जम्मू का हूँ, मैं परसों सुबह ही आया हूँ और सुबह आते ही ये बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सांस लेना। तो मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर सिंह। बेटा मैं तो पहली बार फंसा हूँ यहाँ। अच्छा। इसलिए पहले बार मैं नहीं था, इस साल ही रिटायर होने के बाद आया हूँ। हाँ, और ये 3 दिन से टहलना तो बंद मेरा हो ही गया है, जबकि मैं मॉर्निंग में 1 घंटा रोज टहलने वाला आदमी हूँ। हाँ। और बच्चों ने कहा जब बिना मास्क पहने मत निकलो। प्रदूषण रियल है बेसिकली। मैंने गूगल में चेक करा था पोल्यूशन की इंडेक्स क्या है, एंड इट 650 इन द मॉर्निंग। सिर्फ दिवाली के पटाखों से नहीं है, जो हरियाणा में खेतों में जला रहे हैं जो किसान, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। जब मैंने अपनी गाड़ी की एसी चलाई, मेरे आंखों में जलन हो रही थी। और मेरा एक छोटा बच्चा है, सो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है बाहर निकलने में। ये बोल तो पाते नहीं थे, अब ये बेचारे सांस भी नहीं ले पा रहे। क्योंकि भाई सांस नहीं आ रही बेटा आपको। अब तो बेजुबान जानवर था ही, अब वो बेसांस भी हो चुका है। पेट्स भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली कुछ करो। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, सफोकेशन हो रही है, बच्चों को भी थ्रॉट पेन फील हो रहा है, और वही है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। ये आपके बच्चे, मैं इनसे 2 सेकंड बात कर सकती हूँ? हाय, आपका नाम क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ फर्क पता चल रहा है? आपका नाम बेटा? अविशी। अविशी, आपको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ फर्क पता चल रहा है? पॉल्यूशन से पता चल रहा है? हाँ, अलग स्मेल आ रही है। अलग स्मेल भी आ रही है, पॉल्यूशन में भी, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। आप कितने साल के हो? 9 ईयर्स। और आप? 7। 9 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। मैं इतना ही कर सकती हूँ, होल एनवायरनमेंट सारा वो तो नहीं कर सकते, बट हाँ अपने लिए जितने प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए हमने ये मास्क लिया है। हाँ जी। तो सर आपने पिछले साल यूज़ करा था ये मास्क? पिछले साल भी यूज किया था। तो आपको ऐसा है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने मास्क पहना है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, लोग फील करते हैं, हमने भी फील किया है, बट सेहत से बढ़ के कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है मास्क पहने, सारे लोग को पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं वो फ्यूचर में ना फेस करें। हाँ जी। जो भी इसके कारण है, या तो दिवाली के पटाखे हों या पराली हों, इसका कुछ सलूशन सरकार की तरफ से करना चाहिए हमें। इस बार काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से काफ़ी बिक रहे हैं, लास्ट ईयर से ज़्यादा बिक रहे हैं इस बार। तो एक दिन में कितने मास्क बिक जाते होंगे? अभी मैम कल तो 60-70 के आसपास बिके हैं,
परसों भी इतने बिके हैं, अभी 30-40 के राउंड अप बिक गए हैं। हमारे यहाँ जो अपोलो कंपनी का है वो 200 रुपए के दो ऑफर भी चल रहा है, एक के साथ एक फ्री है। तो आप मुझे बता पाएंगे इसमें और इसमें फर्क, क्योंकि ये 22 रुपए का मैंने पहना हुआ है और ये है 100 रुपए का एक, तो मेरे ख्याल से लोग इसलिए भी थोड़ा टकरा रहे होंगे कि अब उन्हें 100 रुपए का मास्क पहनना है, बट मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें ना थोड़ा बताइए कि दोनों में फर्क क्या है। हाँ, ये जो आप वाला है आपका नॉर्मल है, जो पूरी तरह के एयर को प्यूरीफाई नहीं कर पाता, हमारे वाले में क्या है इसमें फिल्टर लगा हुआ है मैम। ये अच्छा, ये 2.5 का जो होता है N95 है, ये 2.5 पार्टिकल जो होते हैं उसको प्यूरीफाई करता है। अच्छा। ये जो फिल्टर होता है आपका नॉर्मल है तो पूरी तरह से ये फिल्टर नहीं कर पाता आप वाला। अच्छा। तो इसमें फिल्टर है तो इसकी वजह से पूरी तरह प्यूरीफाई कर पाता है। और ये कितने दिन चल जाता है? ये राउंड ऑफ 30-40 डेज। 4:30 बज रहे हैं, सूरज के होते हुए भी सूरज की रोशनी का कोई अता पता नहीं है, और आप सब लोग जानते ही होंगे कि इन सब चीजों से, दुनिया की हर चीज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सूरज की रोशनी है, डायरेक्ट सनलाइट है। जब तक हमें ये रोशनी नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे, लोग, काफ़ी ज़्यादा वातावरण में हमारे चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए पत्रिका की तरफ से हम लोग का आपके लिए यही सुझाव है कि जब तक ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती है तब तक प्लीज़ मास्क पहनिए, अपने और अपने साथ वालों को सेफ रखें इस पॉल्यूशन से, और जितना जल्द से जल्द हो सके बदलिए दिल्ली, अपने हक के लिए, अपनी सांसों के लिए खड़े हुई है, बदलेगी दिल्ली।